नुहू में हिंसा के आरोपी का एनकाउंटर, पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने पकड़ा। 31 जुलाई के बाद से अरावली की पहाड़ियों में छिपा था। नुहू हिंसा के आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। नुहू की अपराध शाखा ने आमने सामने फायरिंग के बाद आरोपी आमिर को गिरफ्तार कर लिया। वह ढिंडारा तावड़ू का रहने वाला है। मुठभेड़ के बाद उसे तावड़ू स्थित अरावली की पहाड़ियों से खंडहर से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पैर पर गोली लगी है। आरोपी को इलाज के लिए नलहड़ मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तलाशी के दौरान पुलिस को उससे एक अवैध देसी कट्टा और 5 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक यह मुठभेड़ सोमवार रात 10:30 पर हुई थी। नुहू अपराध शाखा CIA निरीक्षक अमित को सूचना मिली कि हिंसा के मामले में संलिप्त एक आरोपी आमिर सिलखो पहाड़ के एक खंडहर में है। सूचना मिलते ही गठित की टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी द्वारा फायर की गई, जिसके बाद CIA टीम द्वारा जवाबी कार्यवाही में फायरिंग की गई। इस मुठभेड़ में आरोपी के दाएं पैर में गोली लग गई। करीब 12 दिन पहले भी नुहू में पुलिस की हिंसा के आरोपियों से मुठभेड़ हुई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि दो दंगाई राजस्थान के रास्ते तावांडू से होते हुए नुहू आ रही है। इसके बाद पुलिस टीम ने उन्हें तावंडू की पहाड़ी में रोकने की कोशिश की। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों की तरफ से करीब 5 राउंड फायर हुए। करीब 1 घंटे चले एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गावार का निवासी मुनफेद और सैकुल को गिरफ्तार कर लिया। इस एनकाउंटर में मुनफेद को गोली लगी थी।